के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धूमल के बयानों पर प्रेम कौशल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीजेपी करती है बदले की भावना से राजनीति, कहा प्रेम कौशल ने। देश भर में मनाया गया सिविल सेवा दिवस, मंडी में प्रशासन द्वारा निकाली गई सुप्रशासन रैली। अप्रैल को मंडी पुलिस ने बरामद की 750 ग्राम चरस। 30 अप्रैल तक आरोपी को भेजा गया पुलिस रिमांड पर। ओरवल्ला महाविद्यालय का वार्षिक समारोह आयोजित, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। धर्मशाला के बाद अब सोलन शहर को सूबे का तीसरा नगर निगम बनाने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गई है। सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद शहरी विकास महकमे ने जिला प्रशासन को नगर परिषद सोलन क्षेत्र को नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हिमाचल में शिमला के बाद धर्मशाला को हाल ही में दूसरा नगर निगम बनाया गया है। धर्मशाला को नगर निगम बनाते समय सोलन, मंडी, पालमपुर जैसे कई अन्य शहरों को भी नगर निगम बनाने की मांग उठी थी। सोलन की आबादी और भौगोलिक परिस्थिति के मद्देनजर इसे नगर निगम बनाने पर सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सोलन को नगर निगम बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। प्रदेश में दूसरा नगर निगम बनाते समय भी सोलन अन्य शहरों की अपेक्षा रेस में काफी आगे था। मंत्री, विधायकों से लेकर शहरी निकाय के जनप्रतिनिधियों ने भी सोलन को नगर निगम बनाने का मामला उठाया था। अब सरकार सोलन शहर के प्रति गंभीरता दिखा रही है। सरकार का तर्क है कि सोलन शहर पहले से ही काफी विकसित है। यहाँ नगर निगम बनता है तो मूलभूत सुविधाएं जुटाने में ज्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। सोलन फोर लेन से जुड़ रहा है। चंडीगढ़ से सोलन की दूरी कम होगी। एयर कनेक्टिविटी के अलावा रेल सुविधा भी है। सोलन में औद्योगिक क्षेत्र भी है। शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा से जानकारी मिली है कि सोलन शहर को नगर निगम बनाने के लिए सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। इसके लिए उपायुक्त सोलन से प्रस्ताव मांगा गया है। विभाग के स्तर पर भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने बताया है कि प्रदेश सरकार की ओर से सोलन को नगर निगम बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। शीघ्र ही प्रदेश सरकार को विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि धर्मशाला के बाद अब सोलन शहर को सूबे का तीसरा नगर निगम बनाने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश सरकार इसके लिए सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हिमाचल पंजाब की सीमा पर कटोरी बंगला में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे से 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे पठानकोट में दाखिल किया गया है। हिमाचल और पंजाब राज्य की सीमा के समीप कटोरी बंगल में एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामनगर निवासी जिला मंडी के रूप में हुई है, जबकि घायलों में भी 2 शामिल व्यक्ति मंडी जिला और 1 चंबा का रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार सभी अपनी निजी कार में सवार होकर मंडी से चंबा जा रहे थे, जहाँ कटोरी बंगला के पास कार चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार की छत उखड़ गई। आसपास मौजूद लोगों ने कार में फंसे अन्य घायलों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। उधर डीएसपी वीर बहादुर ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि यह मामला सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है और इसमें कार्रवाई पंजाब पुलिस कर रही है।
मामला पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है और शव का पोस्टमार्टम भी पंजाब पुलिस ने ही करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। चहल चौक में पंचायती राज महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश संयोजक बीरबल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं बैठक में ब्लॉक खंड गोहर की इकाई का गठन भी हुआ और अनिवार्य मांगों पर विचार विमर्श किया गया। चहल चौक में पंचायती राज महासंघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र सिंह चंदेल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकार से मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी ना करें और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य भत्ता और स्मार्ट कार्ड बनाना भी जरूरी है। वहीं उन्होंने पंचायती राज महासंघ के सभी प्रतिनिधियों से एकजुटता से महासंघ को संगठित करने का आह्वान किया। से बार बार ये मांग रहे हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दो, ई टेंडरिंग प्रणाली हटा दो। ई टेंडरिंग प्रणाली से पंचायत प्रतिनिधियों का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय जो है वो सम्मानजनक दें, कम से कम 10,000 प्रधान को, 9,000 उप प्रधान को, 2,000 प्रधान को मासिक दें। इसी तरह से 60-40 की जो शर्त है नरेगा कार्य में वो भी हटा दी जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे हैं जो हमने सरकार से कर रखी है और राजा साहब ने हमको जिनमें का जब भी वो समय देंगे हम वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, अपनी मांगे रखेंगे ताकि पंचायत प्रतिनिधियों का भला हो सके। आज की ये जो कार्रवाई है ये स्टेट अध्यक्ष श्री विजेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हुई है और इसमें जो मैं घोषणा कर रहा हूँ मैं स्टेट की ओर से ये घोषणा कर रहा हूँ, इसमें किसी तरह की कोई तबादला नहीं होगा ना कुछ किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पंचायती राज महासंघ की बैठक में ब्लॉक खंड गोहर की इकाई का भी गठन किया गया। के चैनल के लिए चाल चौक से राकेश कुमार की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास पंचायती राज व पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष शिक्षा पर कुल 6,013 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि अनिल शर्मा राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को कॉलेज खोलते हैं तो लगभग 5 करोड़ रुपए उसी बिल्डिंग के लिए उसी वक्त घोषणा करते हैं कि हमारा वातावरण भी बन जाए और बच्चे केवल छोटे छोटे कमरों में नहीं एक अच्छे माहौल के अंदर इस जो है शिक्षा ग्रहण कर सके। और जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा एक ऐसा समय है क्योंकि आपकी पीढ़ी और हमारी पीढ़ी में फर्क आ चुका है, हम अब तीसरी पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं और इसलिए मैं आपसे केवल बच्चों से अनुरोध करना चाहता हूं ये भविष्य जो आज आप जो आप मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत के माध्यम से कल को आप क्या बनते हैं वो आप पर निर्भर करता है। पर सरकार का दायित्व है यदि हमने कॉलेज यदि छोटे छोटे जगह में खोले हैं तो इन बड़े कॉलेज के अंदर भी हम वातावरण पैदा करने का प्रयास करें। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि यहां के विकास के लिए मैं आपके साथ हूं। फिलहाल एक बार फिर से के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ।
गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Brings you an exclusive range of branded tiles, centenary wares and bathroom fittings for 6 top brands companies on very affordable price. Here you will get double charge in big format size, 3D full HD tiles, wooden tiles, wet refill tiles, anti-skid floor tiles, digital bathroom and kitchen tiles, glass, matching grouts and more sets. Range of centenary wares, one piece toilet seats, wash basin of different size, well houses toilets. So do visit here and also take a look on one piece toilet centenary wares, like toilet seats and wash basin and many more. So make your bathroom really one piece with stuff from top 6 brands at very affordable price. Visit MA Trader, Lunabani, opposite Anand Toyota showroom, Mandi. सुखमनी साहेब गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमे जुगाद सतगुरे नमे। छोटी काशी मंडी व उत्तरी भारत का प्रसिद्ध भगवान महामृत्युंजय मंदिर जिला प्रशासन के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार गोपाल कटारिया ने बताया कि मंदिर के सही रखरखाव के लिए प्रशासन ने प्रबंध कर लिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रशासन द्वारा एक पुजारी भी तैनात कर दिया गया है जो मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर जिलाधीश महोदय ने इस मंदिर को प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लेने वाले आदेश जारी किए, जो आदेश जिसका पत्र में उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसके अनुपालना में आज दिनांक 20/4/2016 को हमने इस मंदिर को अपने कब्जे में लिया। सिर्फ मंदिर कम्प्लेक्स और जो इसमें तालाबंदी की गई थी उन तालों को काट दिया गया, अपना ताला हमने लगा दिया है। पुजारी जो है मंडलाधिकारी नागरिक सदर द्वारा अनोगी मंदिर से बुलाया गया है, जिसने पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी है। आज के बाद यह मंदिर प्रशासन के अधीन रहेगा, प्रशासन इसकी देखरेख करेगा, प्रशासन इसका पूजा पाठ करेगा। सर लोगों के लिए क्या मैसेज है सर इसके बारे में, लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों की तो पहले से डिमांड थी कि इस मंदिर को प्रशासन अपने हाथ में ले, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। सिर्फ महामृत्युंजय का ही मंदिर था जो हमारे मंडी शहर के प्रबुद्ध नागरिक या सम्मानित नागरिक कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कई किस्म की मूर्तियाँ स्थापित की जा रही है।
प्रदेश भर में चरस का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मंडी पुलिस ने नाके के दौरान 17 अप्रैल को 750 ग्राम चरस बरामद की है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। प्रदेश में दिन ब दिन चरस मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन समय समय पर नशे के प्रति लोगों को जागरूक करती आई है और नशे खोरियों को पकड़ने के लिए एक विशेष अभियान भी शुरू किया हुआ है। इस अभियान के तहत सुक्की बाइंग के समीप लगाए गए नाके के दौरान पुलिस प्रशासन ने एक निजी बस की चेकिंग की। अधिक जानकारी देते हुए शहरी चौकी थाना प्रभारी रामलाल ठाकुर ने बताया कि चेकिंग के दौरान हरियाणा सोनीपत के रहने वाले व्यक्ति के पास से 750 ग्राम चरस बरामद की गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 30 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में रखा गया है। दिनांक 17/4/16 को मैं अपनी टीम के साथ सुक्की बाई में नाकाबंदी पे मौजूद था, तो एक प्राइवेट बस आई जिसे चेकिंग हेतु रोका गया, तो इसमें बैठे एक व्यक्ति से जो है एक बैग के अंदर जो है 750 ग्राम कैनबिस बरामद हुई थी। इस व्यक्ति को आज माननीय सीजीएम साहब के समक्ष पेश करके जो है 14 दिन के जुडिशियल रिमांड पर दिनांक 30 अप्रैल तक भेजा है, जिसे आज सब जेल मंडी में जमा करवाया गया है। आपको बता दें कि नशे ने आज की नव युवा पीढ़ी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते नशेखोरियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्पर है और नाके लगाकर चेकिंग कर नशेड़ियों पर लगाम कस रही है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल के जिला कांगड़ा के भवारना थाना के तहत छेंछड़ी में बाइक व ट्रक की टक्कर में एक जान चली गई। जानकारी के अनुसार जैसीपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत लाहट का 17 वर्षीय लड़का बाइक से राजपुर कॉलेज की तरफ जा रहा था, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। पालमपुर से सुजानपुर मुख्य मार्ग पर खैरा से शिव नगर की ओर जा रहे 17 वर्षीय बाइक सवार ट्रक से टकरा गया। राहगीरों ने बेहोश पड़े बाइक सवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, पर तब तक बाइक सवार की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने धारा 279-304 आईपीसी 170 के तहत मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। दुर्घटना के समय बाइक सवार की बहन भी स्कूल के लिए रवाना हुई थी। वहीं दुर्घटना का पता चलते ही लड़के की मां भी रोती विलखती अस्पताल पहुंची, पर तब तक उसका बेटा मौत के आगोश में जा चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बयानों पर प्रेम कौशल ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बीजेपी करती है बदले की भावना से राजनीति, कहा प्रेम कौशल ने। देश भर में मनाया गया सिविल सेवा दिवस, मंडी में प्रशासन द्वारा निकाली गई सुप्रशासन रैली। सत्रह अप्रैल को मंडी पुलिस ने बरामद की 750 ग्राम चरस। 30 अप्रैल तक आरोपी को भेजा गया पुलिस रिमांड पर। ओरवल्ला महाविद्यालय का वार्षिक समारोह आयोजित, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत।